हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि बहुत जल्दी मेरे हिसाब से बीटीसी जो है, जो एक तारीख लगा के रखी थी हमने कि भाई अक्टूबर नवंबर के आसपास एक वापस जबरदस्त एक रैली आएगी, हो सकता है उससे कहीं पहले ही बीटीसी छलांग मार दे। कैसे छलांग मार सकता है, मार्केट में कौन कौन सी टॉप की न्यूज है, क्या क्या हो रहा है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स चार्ट पे हम चीजों को देखते हैं, बट उसके साथ थोड़ा सा मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जानना जरूरी है। और बार बार मैं आपसे कहते आ रहा था कि सोलाना पे नजर रखना, क्योंकि सोलाना का जो ETF है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी उसकी फाइलिंग हो सकती है। तो वो आगे अप्रूव हो या ना हो, लेकिन उसकी फाइलिंग और न्यूज ये सब अगर मार्केट में आ गई तो सोलाना की जो प्राइस है बहुत जबरदस्त जा सकती है। तो मेरा नाम जिया है एंड आई एम ए क्रिप्टो ट्रेडर एनालिस्ट फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई बीटीसी की चार्ट को। अगर आप स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हैं तो ये जो रेड वाली लाइन है इज नथिंग बट 200 EMA, और आप देख सकते हैं जो प्राइस है अभी भी एग्जैक्टली 200 EMA के एकदम कट टू कट चल रही है। नीचे ड्रॉप हुआ था, बार बार रीट्राई कर रहा है इससे ऊपर आने के लिए, इससे ऊपर आने के लिए। थोड़ा सा ऊपर आया था, 59,400 के आसपास आया था कल के दिन आया था, फिर वापस से नीचे लुढ़का 57,000 के आसपास आया। अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, लेट सी ये 200 EMA से ऊपर आता है कि नहीं आता है। एक भी कैंडल है उसकी अगर क्लोजिंग जो है ये रेड वाली लाइन से ऊपर हो जाती है, तो जब क्लोजिंग हो तो उससे पहले मत देखो, उससे पहले तो ये अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन जब क्लोजिंग अगर हो जाती है उससे ऊपर, दैट इंडिकेट्स कि 200 EMA का जो एक नीचे जो लेवल गया था इसको वापस से BTC की प्राइस ने रिक्लेम कर लिया, ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन शॉर्ट BTC का यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और बातें हैं आपके साथ मुझे शेयर करना है कि अगर BTC ने 60,000 को वापस से क्लेम कर लिया तो भैया शायद हमें फिर नीचे देखने का मौका ना मिले काफ़ी दिनों तक। ठीक है, इट्स वॉट इट्स शोन ऑन द चार्ट, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक और मार्केट में ज़बरदस्त तेजी चल रही है, आप और हम क्या है यहाँ पे घबरा रहे हैं कि भाई BTC की प्राइस नीचे आ रही है और नीचे आ जाएगा, हमेशा से यही होते हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जब मैं फॉर एग्जांपल मैटिक की बात करता हूँ, मैटिक $1 पे था, आपने कहा था कि भाई वो अगर 50 सेंट या 60 सेंट के आसपास भी आता है तो उसको ग्रैब कर लेना, लेकिन यहाँ पे मैटिक की जो प्राइस है वो नियर अबाउट मेरे हिसाब से 49 सेंट के आसपास या 46 सेंट के आसपास तक भी आई हुई है, फिर भी लोग उसको नहीं ले रहे, और इट्स ए मैटर ऑफ टाइम जो फटाक से प्राइस ऊपर जाने वाला है। और एक सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है जिसके अंदर धमाल मचने वाली है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो उसके अंदर हाथ मार रही है धीरे धीरे। और आप और हम क्या है यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि अब मार्केट गिर रहा है। भैया मार्केट गिर रहा है, डेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से माल उठाना है आपको हमको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया था कि गोल्डमैन सैक्स जो है 150-year-old बैंकिंग जायंट टू लॉन्च 3 टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स बाय ईयर्स एंड, RWA। ठीक है, RWA कॉइन्स जो है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, आज शाम को वापस से कवर अप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गोल्डन सैक जो है ये खुद लॉन्च कर रहा है 3 टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स बाय ईयर एंड RWA। कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, उसमें कैसे हम हाथ मारेंगे, उन प्रोजेक्ट्स का कौन से RWA कॉइन के साथ लिंकअप होने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि भैया आप ट्विटर जो है ये IM ZIAULAK इस पर फटाफट फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम के लिंक भी दी गई है उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, 3 टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स बाई एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये RWA के जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा इससे क्या होगा कि जो बाकी RWA कॉइन्स हैं उनमें भी धूम मचने वाली है, तो हमको टॉप RWA कॉइन्स को यहाँ पे उठाना है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आर्टिकल के लिंक में डाल दूंगा, ये भी आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जो पोस्ट है मैंने शेयर किया था हमारे ट्विटर हैंडल ओपन फॉर प्रॉफिट पे, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स ऑफ बिटकॉइन हिट ऑलमोस्ट लो ऑफ 2022 नवंबर दिसंबर बॉटम एरिया। मतलब 2022 के नवंबर दिसंबर में जो मार्केट ने एक बॉटम मारा था तो उस समय फियर और ग्रीड इंडेक्स जो था वो यहाँ पे था, हिट हुआ था। और एग्जैक्टली अभी हम देख रहे हैं कि ये जुलाई मंथ है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, यहाँ पे भी एक लो मारा हुआ है, तो हो सकता है कि जुलाई यहाँ पे थोड़ा बहुत एक स्पाइक ऊपर नीचे चलता रहे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, और उसके बाद से आपको हमको तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये आप देखो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, एक डिप वाला जोन जो है वो फियर ग्रीड और फियर का जो हम बताते हैं चार्ट उसके अंदर ये दिया हुआ है,
तो अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत वापस इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे हो, बट अगेन दिस इंडिकेट्स कि आपको हमको देर सवर यहाँ से रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है जुलाई के एंड अगस्त सितंबर, वी नेवर नो कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस हिसाब से देख रहे हैं, बट हम इतना तो कर सकते हैं कि मार्केट में जो चीज़ें एक डिप पे मिल रही हैं, ऑल्ड कॉइंस मिल रहे हैं, उसको लें। सोलाना देखो 128 के आसपास गया था, 118 के आसपास गया था, मैटिक कितना नीचे गया, आर्बिट्रम कितना नीचे गया, सारे जो ऑल्ड कॉइंस है वो डिस्काउंटेड रेट पे अभी मिल रहे हैं। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपको भी लेना है या आप सोचते हैं कि और नीचे आएगा, नीचे आने की सोच में ऐसा ना हो कि प्राइस बहुत ऊपर चले जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जो हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ कि अगर प्राइस एक लेवल पे आता है तो थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचो कि यहाँ से जो प्राइस है इसको नीचे जाने की कितनी गुंजाइश है और ऊपर कितना जा सकता है। तो हम जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं बहुत अभी नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ से और नीचे जाना हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट वहाँ से बाउंस बहुत ज़बरदस्त आएगा क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छी खासी है सभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर। ओके, और यहाँ पे एक भाई पूछते हैं कि अंदर की खबर बताओ टोकन के नाम सर। तो टोकन जो है देखिए मैं बताता हूँ किन के ऊपर नजर रखना है। ओंडो की बात करता हूँ, ONDO। ओंडो को सबसे पहले हमने कवर अप किया था और ट्विटर पे शेयर किया था और उसके बाद से उसमें कितना एक्स प्रॉफिट हुआ है, 15-30x के आसपास उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एक और कॉइन अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, जिसके ऊपर नज़र रखनी है, अगेन फुल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, बट मेरे हिसाब से ओम जो है OM मंत्रा, इसके ऊपर नज़र रखो। RW कॉइन के अंदर ये तगड़ा ऊपर की तरफ धूम मचा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा नज़र रखो कि बड़े प्लेयर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। देखिए अगर हम लास्ट 4 दिन का यहाँ पे थोड़ा सा स्टैट्स देखते हैं, ये जैसे कि 10 हो गया आज की तारीख, फिर 9, 8 ये और 7, 5 तारीख के आसपास से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो कह सकते हैं कि ETF में जो इनफ्लो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब कि ETF में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ठीक है, उसमें बाइंग अच्छी खासी हो रही है। डेट्स वाई इट इज़ एन इंडिकेशन कि यहाँ पे आपको एक डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये सारे काम क्या हो रहे हैं, ठीक है, और आप और हम यहाँ पे कुछ बाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट खबर पे चलते हैं। नियर अबाउट 6 US कंपनी जो है इन्होंने S1 फाइलिंग कर दी है फॉर इथेरियम ETF, ठीक है। ट्रेडिंग स्टार्ट प्रोबेबिलिटी इज इन जुलाई, जुलाई के अंदर हो सकता है इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले जो था कि इथेरियम की ETF की अप्रूवल की हम बात कर रहे थे सब लोग, तो एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि हो सकता है कि वो ईयर एंड के आसपास हो या इलेक्शंस के आसपास उसकी अप्रूवल हो, लेकिन झटके थे इन्होंने कह दिया कि भाई अप्रैल में, मेरे ख्याल से आई डोंट नो एग्जैक्ट मंथ, लेकिन अप्रैल या मंथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई अप्रूव हो गई, फटाफट सब अपनी फाइलिंग स्टार्ट कर दो। अब बात आ रही है यहाँ पे ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग का भी लगाया जा रहा है कि भाई जुलाई के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। तो कौन कौन सी कंपनियाँ, फिडेलिटी है, वैनक है, फ्रैंकलिन है, 21 शेयर्स है, ग्रेस्केल और ब्लैक रॉक। वैनक की बात करते हैं, देव अनाउंस्ड ए वेवर ऑफ द इनिशियल फीस फॉर इट्स इथेरियम स्पॉट ETF, ठीक है। उन्होंने बोला है भैया फीस वीस में हम बहुत कमी कर रहे हैं, आ जाओ इथेरियम स्पॉट ETF के अंदर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। तो फ्रैंकलिन ने उसी जगह जो फी रेट है वो नियर अबाउट 0.19% के आसपास कर दिया है। ग्रेस्केल मिनी ETF ट्रस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पॉट इथेरियम ETF। US इथेरियम ETFs में स्टार्ट ट्रेडिंग बाय 15th of July। आज 11 तारीख है तो 15 जुलाई के आसपास आपको मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है जो ऑल्ड कॉइन से अच्छा खासा 15-20% यहाँ से जंप मार दे बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज। नेक्स्ट एक और जबरदस्त यहाँ पे न्यूज है, CFTC चेयर से 70% to 80% ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट सिक्योरिटीज। ओके, तो चीजें जो है क्रिप्टो करेंसी के फेवर में चारों तरफ यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रही है। ओके, और कहीं ना कहीं ये मार्केट को अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है, 1 लाख 1.5 लाख वी नेवर नो, लेकिन इस बार अगर जब तेजी आ गई क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, तो भैया बहुत अच्छा खासा रैली जाएगा। BTC 15,600 के आसपास आया था, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग कवर अप कर लेते हैं, जो मार्केट में न्यूज आ रही थी कि जर्मन गवर्नमेंट जो है वो अपनी BTC जो होल्डिंग है उसको सेल कर रही है, लेकिन बाद में एक न्यूज ये भी आई थी कि वो बाद में उसको एक्यूमेट भी कर रहे हैं, ठीक है। खैर हम यहाँ पे इनके सेलिंग जो है उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी इनके पास जो है नियर अबाउट कह सकते हैं कि 15,000 BTC इनके खाते में पड़ा हुआ है, ठीक है। इनकी करंट होल्डिंग जो है 15,000 के आसपास है, ठीक है। तो खैर मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ बेचेंगे नहीं, इन्होंने अभी भी इनकी होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पे है, जिसकी जो
वैल्यू है नियर अबाउट 900 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ निकली थी, तब थोड़ा सा मार्केट में हड़कंप मचा था कि भाई जर्मनी की जो गवर्नमेंट है और माउंट कॉक्स जो है वो बेच रहे हैं, बट अगेन वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मार्केट वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सोलाना की, बात कर रहे हैं जो हमेशा से मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि सोलाना के ऊपर नज़र रखो, बहुत ज़बरदस्त नीचे डिप में मिला है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू सोलाना ETF जो है इज ऑलरेडी फाइल्ड, ठीक है। Vanagon 21 shares have filed 19B4 forms with the Chicago Board Options Exchange for their respective Solana ETFs, ठीक है। तो Bitcoin, Ethereum अब Solana का दौर आ रहा है, अच्छी खासी प्राइस इसमें जा सकती है, और इसकी जो फाइलिंग की जो एक डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे ट्विटर जो है यहाँ पे पोस्ट किया है, तो आप ट्विटर वाले पे मेरे अकाउंट हैंडल पे जा सकते हैं आई एम ज़ियाउल हक, और यहाँ पे दोनों को आप क्लिक करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, हमारी टीम की कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले मार्केट में जो एकदम प्योर ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर 24 आवर्स टीम पूरी वर्क कर रही है। बहुत सारे हमने चेंजेस किए हैं, अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे इंस्टेंटली आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सब मिलनी चालू हो गई है। तो उसी तरह से जो कॉल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल जो है उसको भी आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टीम को मोटिवेशन मिले कि भैया सपोर्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये सारी जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है ये क्या काम करती हैं, ये आपके माइंड को थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि भैया मार्केट में अब तेजी आ सकती है, अब आप जो चार्ट पे देख रहे हो सकता है वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाए। फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर है इज अबाउट ट्रंप। ट्रंप प्रोमिसेस टू स्ट्रेंथन द क्रिप्टो इकोसिस्टम, रिपब्लिकन पार्टी फोकस्ड ऑन क्रिप्टो रिलेटेड रिफॉर्म्स टू मेक ए चेंज इन US इकोनॉमी। क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, जिसके ऊपर वो लोग बोल रहे हैं कि इस हिसाब से चीजें हो जाएंगी इन फेवर ऑफ क्रिप्टो। पहली चीज है कि एंड ऑफ द क्रिप्टो क्रैकडाउन, रिजेक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिफेंडिंग द बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटी, सेफगार्ड अमेरिकन राइट टू सेल्फ कस्टडी ऑफ डिजिटल एसेट्स, एंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेलेंस एंड कंट्रोल। ये सारी चीजें जो है प्रो क्रिप्टो के ऊपर है, और ट्रंप जो है वो टोटली प्रो क्रिप्टो वाला बंदा है, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीते, वो आ जाए और ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट हो जाए, तब अच्छा खासा धूम मच सकता है क्रिप्टो के अंदर, बिकॉज ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आर इन फेवर ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो होल्डर्स या जो क्रिप्टो को पसंद करते हैं। सेल्फ कस्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो है चीज़ें जिस हिसाब से होती हैं, गवर्नमेंट जो है वो किस हिसाब से सोचती है, ठीक है, सोचा था कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बदल जाएंगे, कोई नया आएगा तो कुछ हो सकता है, बट अगेन सेम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और लेट्स सी गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेप लेता है कि नहीं लेता है। अभी तो फिलहाल स्टॉक मार्केट वालों की ही लगा दी है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स वगैरह है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स है, उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जो नंबर ऑफ लॉट्स वगैरह है वो बढ़ सकते हैं, ताकि जो छोटे मोटे जो खिलाड़ी हैं वो इसमें ना कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट देखो अभी क्या कर रही है, मैं आपको सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि सारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो एकदम टॉप पे हैं, आने वाले कभी ना कभी टाइम में, हो सकता है 6 महीने 1 साल जो भी है, ये मार्केट टूटेगा ज़रूर, ओके। तो गवर्नमेंट जब इस हिसाब से स्टैंड लेती है कि जो छोटे खिलाड़ी होते हैं उनको साइड में करती है, कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्ट करके कि लॉट साइज बहुत बड़ा है, ये है आपके बैंक अकाउंट में कितना फंड है, ठीक है, पहले क्यों नहीं किया, ठीक है, अभी इसलिए कर रहे हैं कि अभी से इनको साइड में कर दें ताकि जब मार्केट गिरे तब इनको कहने का मौका मिल जाए, भाई हमने आपको बताया था, हमने आपको साइड में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि आप बच सके, ठीक है। तो ये सारी बहुत बड़ी खेल होती है, ओके। तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उस पर शिकंजा इनका पूरा अच्छा खासा है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अभी तक की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी क्रिप्टो से रिलेटेड, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ताकि हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखे, समझे, और आप स्टार्ट करें चीज़ों को होल्ड करना, ऑल्ट कॉइंस लेना स्टार्ट करें, ठीक है। शाम की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं ऑल्ट कॉइंस के ऊपर कवर अप करने वाला हूँ, स्पेशली टोकनाइजेशन जो ऑल्ट कॉइंस हैं अपने, टोकनाइजेशन वाले RWA वाले, उसको हम कवर अप करेंगे, तो मेक श्योर उसके अंदर आप एंट्री लेना, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि आई एम 90% इन USDT, अब मैं धीरे धीरे जो है उसमें से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइंस के अंदर डालने के लिए, ठीक है।
तो कौन कौन से पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इन द मीन टाइम आपको क्या लगता है कि अबाउट सोलाना ETF या इथेरियम ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी नहीं होगी, व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट, लेट मी नो इन कमेंट्स। और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र है, इसके अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर कमेंट कीजिए, ताकि उन कमेंट्स को देख के मैं उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, हमारी टीम उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, और जो भी पुख्ता जानकारी है वो आप लोग साथ में शेयर करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। We'll be right back.